हेलो फ्रेंड्स, रीरन क्लासेस की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज के 5 क्वेश्चन जो कि एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज वो सब्सक्राइब का रेड वाला बटन दबा दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिएगा और आप उन सबके साथ जरूर शेयर करिए जो एमपीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं। और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 320 कब हुई? ए 1959, बी 1967, सी 1977, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका उत्तर है सी 1977। 1977 में परिसमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या 320 हो गई। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 44 और अनुसूचित जनजाति के लिए 75 सीटें आरक्षित रखी है। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद वर्ष 2000 से विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। क्वेश्चन नंबर 1। When did the number of seats became 320 in the Madhya Pradesh Assembly? A 1959, B 1967, C 1977, D none of these. And the answer is C 1977. After the delimitation in 1977, the number of assembly seats was 320. Of these, reserved seats 44 for scheduled caste and 75 seats for scheduled tribes have been reserved. After Chhattisgarh division, the number of assembly seats in the year 2000 is 230. Prashn 2 pe chalte hain dosto. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए सेठ गोविंदास, बी विद्याचरण शुक्ल, सी मोतीलाल वोरा, डी श्यामाचरण शुक्ल। आई होप आप सबने सारे के सारे नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने होंगे। हमने आप सबके साथ उनका एक फोटो भी शेयर करा है। तो क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ए सेठ गोविंदास। सेठ गोविंदास ने 21 अप्रैल 1957 को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पद संभाला था। क्वेश्चन नंबर 2। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी? ए सेठ गोविंदास, बी विद्याचरण शुक्ल, सी मोतीलाल वोरा, डी श्यामाचरण शुक्ल। एंड द आंसर इज ए सेठ गोविंदास। सेठ गोविंदास टुक ओवर एज द चेयरमैन ऑफ द कांग्रेस कमेटी ऑन अप्रैल 21, 1957। आइए चलते हैं प्रश्न 3 पर। निम्न में से कौन सा दल ना तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए बहुजन समाज पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी गोडवाना गणतंत्र पार्टी, डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसका उत्तर है सी गोडवाना गणतंत्र पार्टी। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 7 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई। इनमें बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी शामिल हैं, जबकि समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तर पार्टी है। लेकिन गोडवाना गणतंत्र पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे ना तो राष्ट्रीय दल की मान्यता है और ना ही मध्य प्रदेश राज्य के लिए मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज नाइदर अ रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी नॉर इज इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश? लेट्स गो फॉर द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज बहुजन समाज पार्टी, बी समाजवादी पार्टी, सी गोडवाना गणतंत्र पार्टी, डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। एंड द आंसर इज सी गोडवाना गणतंत्र पार्टी। 7 पॉलिटिकल पार्टीज वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज नेशनल पार्टीज। दीज इंक्लूड द बहुजन समाज पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ऑल्सो, while the Samajwadi Party is a state-level party. But the Gondwana Ganatantra Party is a party like neither the National Party is recognized nor it is recognized for the state of Madhya Pradesh. दोस्तों चलते हैं प्रश्न 4 पे।
विधानसभा चुनाव 2013 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन हैं? ए शिवराज सिंह चौहान, बी कैलाश विजयवर्गीय, सी रमेश मेंदोला, डी सुश्री पारुल साहू। इसका उत्तर है दोस्तों सी रमेश मेंदोला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी भाजपा के रमेश मेंदोला हैं। उन्होंने इंदौर विधानसभा सीट 2 से 91,017 मतों से रिकॉर्ड जीत दर्ज की, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 84,805 मतों से जीत हासिल की थी। इन चुनावों में सबसे कम वोट 141 वोट से जीतने वाले प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सुश्री पारुल साहू हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द कैंडिडेट हु हैज वॉन द मोस्ट वोट्स इन द असेंबली इलेक्शन 2013 एंड द ऑप्शंस आर ए शिवराज सिंह चौहान, बी कैलाश विजयवर्गीय, सी रमेश मेंदोला, डी मिस पारुल साहू। एंड द आंसर इज सी रमेश मेंदोला। BJP's Ramesh Mandola is the candidate who has won the most votes in Madhya Pradesh Assembly election 2013. He recorded a record victory with 91,017 votes from Indore Assembly seat 2, while Chief Minister Shivraj Singh Chauhan won 84,805 votes. Bharatiya Janata Party BJP's Miss Parul Sahu is the candidate who has won the lowest vote by 141 votes in these elections. प्रश्न 5 पे चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा किस तिथि को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया? ए 30 जून 2010, बी 30 जुलाई 2010, सी 30 अगस्त 2010, डी 30 सितंबर 2010। और इसका उत्तर है बी 30 जुलाई 2010। मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा 30 जुलाई 2010 को लोक सेवा गारंटी विधेयक पारित किया गया है। इसके तहत प्रारंभ में 9 विभागों की 26 सेवाएं शामिल की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन विच डेट ऑफ द पब्लिक सर्विस गारंटी बिल पास्ड बाय द मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली? ए 30 जून 2010, बी 30 जुलाई 2010, सी 30 अगस्त 2010, डी 30 सितंबर 2010। एंड द आंसर इज बी 30 जुलाई 2010। पब्लिक सर्विस गारंटी बिल हैज बीन पास्ड बाय द मध्य प्रदेश असेंबली ऑन जुलाई 30, 2010। अंडर दिस 26 सर्विसेज ऑफ 9 डिपार्टमेंट वेयर इनिशियली इंक्लूडेड। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम आप सबके साथ 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियोज का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप उन सबके साथ जरूर शेयर करिएगा ये वाले वीडियोज जो MPPSC का एग्जाम देने वाले हैं, और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू। दोस्तों स्टडीज करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।